गैस अगर आप इंडिया में Redmi Note 10 Pro और Max यूज़ करते हो तो भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर इन दोनों ही डिवाइसेस के लिए आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको एडवांस में मैं एक और नई जो है जानकारी दूंगा जो कि है Poco X3 Pro के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इन फ़ोन्स के लिए क्या यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल कर आई है। इन फ़ोन्स में काफ़ी लंबे समय से कोई अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिला है इंडिया में Redmi Note 10 Pro Max और यहाँ पर Poco X3 Pro। तो ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं कि भाई Redmi Note 10 Pro और Max और यहाँ पर Poco X3 Pro के बारे में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है। आप देख सकते हैं ग्रेट न्यूज़ फॉर योर फोन अवेटिंग द न्यू MIUI अपडेट। तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max और उसके साथ ही यहाँ पर Poco X3 Pro और यहाँ पर Redmi K60 Pro के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आई है। तो यहाँ पर इनके अपडेट्स के बारे में ही इन्फॉर्मेशन है क्योंकि भाई अपडेट के बारे ही इन्फॉर्मेशन आती है। तो इन डिवाइसेस को काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अपडेट्स वगैरह नहीं मिले हैं। आज की डेट में मैं आपको बता दूंगा कि इन डिवाइसेस को कब तक अपडेट मिलेगा। और अगर आप Redmi Note 10 Pro और Max यूज़ करते हो तो भाई यहाँ पर इंडिया में कौन सा नया अपडेट यहाँ पर कब आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो इन डिवाइसेस के लिए काफ़ी लंबे समय से कोई नया अपडेट नहीं आया है, हालांकि इनके अपडेट जो है वो काफ़ी बार रोल बैक किए जा चुके हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ से अपडेट्स तो रिलीज़ किए जा रहे हैं लेकिन एन अपडेट्स इज़ रोल बैक 2-3 टाइम्स आफ्टर द रिलीज़, मतलब रिलीज़ के बाद ही एक दो वीक के अंदर ही अपडेट को रोल बैक कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं Xiaomi ने क्लियर मैंशन कर रखा है क्योंकि Xiaomi को ऑलरेडी पता है कि भाई हमारे फ़ोन्स में अपडेट्स वगैरह जो हम दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंडेड, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स के वीडियोस वगैरह यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और आप देखोगे Redmi Note 10 Pro और Max has not received the new update after 3 months, मतलब 3 महीने पहले से यहां पर कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। और जो भी यहां पर MIUI 14 का जो फर्स्ट अपडेट आया था वो भी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि सस्पेंड इसलिए किया गया था भैया उसमें फ्रंट कैमरा वगैरह मेरे फोन का भी डैड हो चुका है, इवन बहुत सारे यूजर्स के यहां पर जो मदरबोर्ड है वो भी डैड हो चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सारे यूजर्स को यहां पर देखने को मिली। तो इनके जो बिल्ड हैं वो रेडी किए गए हैं, दूसरे अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगे, कुछ 4 नए बिल्ड जो है वो रेडी किए गए हैं आप देख सकते हो यहाँ से, और ग्लोबल में जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही Xiaomi यहाँ पर इनकी जो देख सकते हैं अपडेट आर बीइंग टेस्टेड इंटरनली, और यहाँ पर इनकी इंटरनली जो टेस्टिंग है वो चल रही है एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी रेडी एंड रोल आउट सून, मतलब बहुत जल्द ये अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कौन सा अपडेट आने वाला है, किस डिवाइस के लिए आने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ अपडेट्स की तो भाई देखोगे Redmi Note 10 Pro और Max में 2 अपडेट यहाँ पर रिलीज किए गए, एक आया है ग्लोबल में और एक आया है EA में। और कैसे यहाँ पर मैं ग्लोबल की बात करूँ तो भाई Redmi Note 10 Pro और Max के लिए आप देखोगे 14.0.4.0 का एक नया अपडेट आया जो कि जून सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर Xiaomi ने रिलीज किया है। और दूसरा जो अपडेट आया Redmi Note 10 Pro और Max के लिए वो EA में देखने को मिला है, 14.0.5.0 है, ये भी आपको जून सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर मिलता है। और मैं बात करूँ Poco X3 Pro की तो उसको भी यहाँ पर अपडेट ग्लोबल में देखने को मिला है। लेकिन मैं इंडिया की बात करूँ कि भैया इंडिया में अपडेट कब यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ Redmi Note 10 Pro और Max की तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया में जो अपडेट अभी चल रहा है वो 14.0.1.0 ही चल रहा है जो कि सस्पेंडेड है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड चल रहा है, वहीं 3rd month का जो है सिक्योरिटी पैच चल रहा है और यहाँ पर 7th month स्टार्ट है यानी कि जुलाई चल रहा है वो भी एंड यहाँ पर होने वाला, 30 हो चुकी है, अब यहाँ पर 2rd month लग जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी लंबा समय हो गया जो अपडेट नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भैया ये अपडेट यहाँ पर कब तक आएंगे, अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में ये वाले अपडेट्स कब तक मिलेंगे आपके Redmi Note 10 Pro और Max में, तो भैया यहाँ पर ग्लोबल में जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग ही इंडिया में अपडेट दिया जाता है। तो ग्लोबल में जो अपडेट आया वो 14.0.4.0 आया, लेकिन मैं इंडिया की बात करूं Redmi Note 10 Pro और Max की तो आपको 14.0.2.0 या फिर 14.0.3.0 जो है वो इंडिया में देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ। ये जो मंथ खत्म हो गया है अभी, ये जो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर आपको एक नया अपडेट आपके Redmi Note 10 Pro और Max में मिलेगा, ये श्योरिटी मैं लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर Xiaomi ने इसको जो है क्लियर कर दिया है, मतलब गुड न्यूज़ आप सभी के लिए आ चुकी है। ये जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी जल्द रिलीज़ किए जाएंगे और इनका जो रोल आउट है वो यहाँ पर होने वाला है क्योंकि Xiaomi ने जो ऑफिशियल बिल्ड है वो 4 डिवाइसेस के लिए रिलीज़ किए जाने वाले हैं। ये जो 4 बिल्ड हैं वो रेडी हो चुके हैं जिसमें आपको यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max मिल जाता है, Poco X3 Pro मिल जाता है, Redmi K60 Pro मिल जाता है, इनके जो बिल्ड है वो आएंगे। और यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Max के लिए जो स्वीटन का जो अपडेट आया था क्योंकि ये डिवाइस का कोड है IN का साइन मिलता है, तो ये जो अपडेट है वो Xiaomi ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब जो 4 नए बिल्ड हैं इनमें ये चारों ही डिवाइसेज में MIUI 14 का जो अपडेट है वो नेक्स्ट मंथ आपको आपके Redmi Note 10 Pro Max, Poco X3 Pro में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन Redmi Note 10 Pro और Max में तो कन्फर्म है ये अपडेट यहाँ पर डेफिनेटली आना ही आना है, जिससे आप MIUI 14 का एक नया अपडेट आपके Redmi Note 10 Pro और Max में यूज़ कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल में नया अपडेट आ चुका है, EA में भी नया अपडेट आ गया है जो कि काफ़ी बिग वर्जन है, 14.0.5.0 है और यहाँ पर ग्लोबल में 14.0.4.0 देखने को मिला है। तो भैया काफ़ी बढ़िया गुड न्यूज़ है, वीडियो को लाइक कर दो, Redmi Note 10 Pro और Max यूज़ करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दो। मिलता हूँ स्टूडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एस सी यू इन द नेक्स्ट वन।